स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में डिटरमिनेंट्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था कि डिटरमिनेंट्स होता क्या है, किस तरह से हम उसको क्या करते हैं, एक्सपेंशन करते हैं। तो आज हम एनसीईआरटी की अपनी एक्सरसाइज 4.1 करने जा रहे हैं, तो देखते हैं उसके क्वेश्चनों को। सबसे पहले अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो सिंपल आपको क्या करना है, एक्सपेंड करना है। क्लियर, बहुत आसान है। डिटरमिनेंट अगर निकालना है तो देखो क्या होगा, 2 × -1 कितना हो जाएगा बच्चों, -2 - -20। क्लियर है बात इतनी। तो ये कितना आ गया बच्चों आपका, -2 + 20 यानी कि 18। क्लियर है। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन भी बहुत आसान है, कुछ नहीं है। cos × cos क्या होता है बच्चों, cos²θ। sin × sin कितना हो जाएगा, -sin²θ। क्लियर। और cos² + sin² ये कितना हो गया, 1। क्लियर है। अब देखो दूसरे की बात करें, इसमें बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना, सिर्फ मल्टीप्लाई है, x²−x + 1 × x + 1 − x − 1 + x + 1। क्लियर है इतनी बात। चाहो तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर इसमें से कॉमन अगर मैं लूं तो कितना आएगा बच्चों, x + 1 कॉमन हो गया, बचेगा x²−x + 1। अब देखो जब हमने कॉमन लिया तो ये कितना हो जाएगा, −x − −+। तो ये आ गया x + 1 x²−2x + 2। क्लियर है बात। मल्टीप्लाई कर सकते हो आसानी से, x × x (x³) − 2x² + 2x। अब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आएगा, x²−2x + 2। तो 2x से तो 2x कैंसिल हो गया, क्या बचा, x³ − x²+2। क्लियर है, आसान है बहुत। बस हमें क्या करना है, सिंपल डिटरमिनेंट निकालना है, 2×2 मैट्रिक्स यानी सिंपल एक्सपेंड कर देना है। फटाफट इसको लिखें, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो थर्ड क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है थर्ड क्वेश्चन में भी। थर्ड क्वेश्चन बच्चों देखो क्या कह रहा है आपके, आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है, A 1 2 4 2, और आपको शो करना है क्या कि 2A = 4 times of this। देखो भाई कैसे करते हैं, अगर हम बात करें सबसे पहले इसकी, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस मैट्रिक्स में पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, कितने से मल्टीप्लाई करी, 2 से, हर एलिमेंट में कर दी 2, 2 × 2 = 4, 8 and 4। अब मैं इसका डिटरमिनेंट निकाल रहा हूँ, कितना आएगा, 4 × 2 = 8, 8 × 4 = 32। तो कितना आ गया बच्चों, हमारे पास आ गया 24। क्लियर है इतनी बात। अब अगर मैं इसकी राइट हैंड साइड लूँ तो सबसे पहले मेरे को क्या करना है, 4 × determinant of A। तो देखो इसका अगर डिटरमिनेंट निकालें तो क्या आता है, 2 − 8 यानी 4 × −x − 24। क्लियर है बात, बिल्कुल आसान है। फोर्थ क्वेश्चन भी बच्चों बिल्कुल इसके जैसा ही है, आप इसको फटाफट लिखें। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन में भी बिल्कुल ऐसा ही है, कुछ अंतर नहीं है फोर्थ में भी, आप चाहो तो एक बार ट्राई कर सकते हो। तो देखो भाई फोर्थ क्या कह रहा है कि आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 0 1 0 1 2 0 0 4। क्लियर। और आपको क्या शो करना है कि 3A = 27 of determinant of A। क्लियर बात इतनी। चलो भाई अब देखो सबसे पहला काम क्या है कि इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें, कर दो। अगर मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ तो क्या हो जाएगा बच्चों, 3 0 3 0 3 6 0 0 12। क्लियर है बात। मैंने आपको कल क्लास में एक बताया था, मतलब हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी,
उसमें मैंने कहा था कि आप कोशिश करें कि डिटर्मिनेंट जब आप निकालें तो उस रो और उस कॉलम के अबाउट एक्सपेंड करें जिसमें आपके मैक्सिमम जीरो हैं। तो देखो कॉलम फर्स्ट में अगर आप देखोगे तो आपके दो जीरो आ रहे, सबसे ज़्यादा यही है। तो कॉलम फर्स्ट के अबाउट हम एक्सपेंड कर रहे हैं, इसको मैंने ढक दिया है। तो देखो कितना आएगा, 12 3 36 माइनस जीरो, तो 36 इंटू 3 कितना होता है, 108। अब इसका ये वाला पार्ट लेते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते हैं। पहले इसकी राइट हैंड साइड देखो, 27 ऑफ डिटर्मिनेंट अगर हमें यह निकालना है तो कितना होगा, फर्स्ट कॉलम के अबाउट मैं एक्सपेंड कर रहा हूं तो 1 4 माइनस जीरो, तो 27 इंटू 4 कितना होता है बच्चों, 108। क्लियर है, बहुत आसान था। हमने एक बार लेफ्ट हैंड साइड ली और एक बार राइट हैंड साइड, दोनों इक्वल हो गए, कोई दिक्कत वाली बात, फटाफट लिखें, देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th का फर्स्ट पार्ट। अब देखो अगर हम 5th के फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं तो हमें सिंपल डिटर्मिनेंट निकालना है, क्या है, 3 माइनस 1 माइनस 2, 0 0 माइनस 1, 3 माइनस 5 0। क्लियर है बात इतनी। अब देखो बच्चों, मैंने आपको बताया कि आप उस रो और उस कॉलम के अबाउट एक्सपेंड करें, उस रो और उस कॉलम के अबाउट एक्सपेंड करें जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जीरो हों। अब देखो सबसे ज़्यादा जीरो आपको किस में नज़र आ रहे हैं, तो सेकेंड रो में, तो इसके अबाउट एक्सपेंड करते हैं। तो इन दोनों का तो कोई लेना देना नहीं, सीधे इस पर पहुँचते हैं, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले माइनस वन, कौन सा एलिमेंट है ये हमारी सेकेंड रो, ध्यान सुनना, कौन सी रो है, सेकेंड रो और थर्ड एलिमेंट है, कौन सा है, सेकंड रो और थर्ड एलिमेंट, ये होता है 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 2 3, तो बावर में लिख दिया, इनटू माइनस वन। अब देखो क्या बच रहा है, तो आपके पास सिर्फ 3 बच रहा है, माइनस 1 बच रहा है, 3 बच रहा है और माइनस 5। तो 2 प्लस 3 कितने होते हैं बच्चों, 5, तो ये नेगेटिव और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गए, पॉजिटिव, 3 5 15 माइनस माइनस 3, तो कितना आ गया बच्चों, माइनस 15 और हमारे पास कितना आएगा, प्लस के 3, तो कितना आ गया बच्चों, माइनस का 12। क्लियर है बात इतनी, तो हमारा माइनस 12 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका अगर हम सेकंड क्वेश्चन देखें तो बिल्कुल ऐसा ही है सेकंड क्वेश्चन भी, कि आपको डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 3 माइनस 4 5 1 1 माइनस 2 2 3 1। क्लियर है। अब देखो बच्चों इसमें हमारे पास जीरो तो नहीं है, तो हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अबाउट एक्सपेंड कर सकते हैं। अब देखो अगर मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ फर्स्ट रो के अबाउट, ठीक है बच्चों, तो हमारे पास क्या आएगा, 3, क्या बचा, इससे तो हमने परमानेंट ढक दिया है, 1 माइनस 2 3 1। क्लियर है, माइनस माइनस 4, समझ गए होंगे माइनस क्यों लगाया, क्योंकि जो ये पोजीशन है उसकी वो ओड है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 प्लस 2 यानी 3 कैसा है, ओड, तो इसलिए नेगेटिव आया, बचा क्या, 1 माइनस 2 2 1 प्लस 5। अब इसको लिख रहे हैं तो कितना बचेगा बच्चों, ये तो परमानेंट ढक गई है, पहले हमने एक बार ये ढका, फिर एक बार ये और एक बार ये, तो ये ढकने के बाद आपको क्या नज़र आ रहा है, 1 1 2 3। क्लियर है बात इतनी, चलो अच्छी बात है, सोल्व करते हैं, 3 1 इंटू 1 1 3 2 जा 6 प्लस 4 1 माइनस माइनस प्लस 5 3 माइनस 2, तो कितना आ गया बच्चों, 6 और 1 7 3 जा 21 4 और 1 5 5 4 जा 20 और 5, तो कितना आ गया बच्चों, 46। क्लियर है इतनी बात, तो इसको फटाफट लिखे फिर देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, ठीक है बच्चों, यहाँ तक हमारा क्लियर है, फिफ्थ के दोनों पार्ट। अब फिफ्थ के थर्ड पार्ट को देखते हैं कि फिफ्थ का थर्ड पार्ट हमें क्या कह रहा है। तो फिफ्थ का थर्ड पार्ट अगर देखें तो 0 1 2 -1 0 -3 -2 3 0। क्लियर है बात इतनी, चलो भाई सभी देखते हैं। अब इसको मैं फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड कर रहा हूँ तो कितना आएगा, 0 0 -3 3 0 -1
इसको ढक दिया है तो क्या दिखाई दे रहा है, -1, -3, -2, 0। ये तो हम परमानेंट ढक चुके हैं, पहले हमने इस रो को ढका तो ये दिखाई दे, फिर इसको ढका, अब किसको ढक रहे हैं, इसको। तो बच्चों क्या दिखाई दे रहा है, -1, 0, -2 और 3। क्या करना है हमें, जिस रो के अबाउट एक्सपेंड कर रहा है वो समझ लो वो तो परमानेंट ढक दी, फिर एक एक करके ढकना, दिस दिस एंड दिस, क्लियर है। चलो भाई ये तो जीरो हो गया, इस पाओ -1 × 0, 0 और -6, +2, -3, तो ये आ गया 6 - 6, कितना आ गया बच्चों, 0। क्लियर है इतनी बात, फटाफट लिखे, देखते हैं इसके हम फोर्थ पार्ट को। फोर्थ पार्ट भी बहुत आसान है, आपका चाहो तो एक बार अटेम्प्ट कर सकते हो खुद से। तो हमारे पास क्या है, 2 - 1 - 2, 0, 2 - 1, 3 - 5, 0। क्लियर है बात इतनी, इसको एक्सपेंड करते हैं बच्चों हम फर्स्ट रो के अबाउट, ठीक है। 2 ये परमानेंट ढक चुके हैं, जब इसको ढक दिया है तो देखो बच्चों क्या दिखाई दे रहा है आपको, 2 - 1 - 5, 0। सेकेंड को ढको, 0 - 1, 3, 0। क्लियर है बात नहीं, -2, 0, 2, 3, -5। क्लियर है इतनी बात, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलो भाई सोल्व करते हैं, 2 × 0, 0 - 5, ये हो गया हमारे पास 1। अब इसका आया 0 × 0 और ये बचेगा आपका प्लस का 3, -2, 0 × 5, 0, 3 × 2, 6। तो ये हो गया -10, +3, +12, तो ये आ गया 5। क्लियर है इतनी बात, फटाफट नोट करें, देखते हैं अब अपना अगला क्वेश्चन। बच्चों सिक्स क्वेश्चन अब हम देख रहे हैं, सिक्स क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसे ही है, आपको क्या करना है, सिंपल एक्सपेंड करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड कर रहा हूँ, किसके अबाउट, फर्स्ट रो, ठीक है भाई। 1 ये हमारी परमानेंट ढक चुकी है, अब मैंने इसको ढका, आपका क्या एलिमेंट दिख रहे हैं, 1 - 3, 4 - 9। फिर इसको कितने बचे हैं, 2 - 3, 5 - 9 - 2, इसको ढक दिया है तो 2, 1, 5, 4। क्लियर है, ये आ जाएगा -9, +12, -18, -+8, -5, कितना हो गया बच्चों, 3, +3, -6, तो कितना आ गया, 0। क्लियर है बात इतनी, फटाफट नोट करें, देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, 7th। क्लियर है यहाँ तक, सिंपल एक्सपेंशन है और कुछ नहीं है बच्चों, बहुत आसान है। 7th क्वेश्चन अब देखते हैं, तो 7th क्वेश्चन हमारे पास क्या है बच्चों, 7th का फर्स्ट है 2, 4, 5, 1, 2x, 4, 6 और x। क्लियर है इतनी बात, तो देखो क्या करना, सिंपल आप इधर निकालेंगे इसका, तो 2 × 1, 2 - 20, इधर देखो 2x² - 24। क्लियर है, 2 में से 20 के कितने बचते हैं, -18, 2x² - 24, तो 2x² बच्चों इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, +-√3। क्लियर है इतनी बात, आसान है। सेकंड पार्ट भी बच्चों इसका बिल्कुल ऐसा ही है, 2, 3, 4, 5, x³, 2x, and 5। आप एक बार खुद से ट्राई करें इसको, तो देखो कितना आता है, 10 - 12, 5x - 6x। क्लियर है, तो कितना होगा, 5 × 2 = 10, हमारे पास हो गया 10, 5 × 2 = 10, 4 × 3 = 12। क्लियर है, 5x - 6x, तो आ गया -2 - x, तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 2। क्लियर, फटाफट नोट करें, देखते हैं भैया हम इसको लास्ट क्वेश्चन, यानी कि 8th। क्या कह रहा है 8th क्वेश्चन, एक बार आप देखें कि कैसे हो रहा है। तो 8th क्वेश्चन भी बिल्कुल आपका ऐसा ही है, आपको x² = 18x, 6² = 18x, ठीक है बच्चों, ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, देखते हैं कौन सा आ रहा है। तो हो जाएगा x²
18 टू ज 36, 36 माइनस कितना आ गया 66 ज 36, 18 टू ज 36, तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया बच्चों 36, तो एक्स कितना आ गया आप देखोगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर है, बहुत आसान सी हमारी एक्सरसाइज थी बच्चों, तो हमने एक्सरसाइज अपनी पूरी कंप्लीट कर ली। तो इस क्लास में बच्चों इतना ही, थैंक यू।